दैनिक सवेरा अंधेरे से उजाले की ओर। पठानकोट कैंट रेलवे स्टेशन पर बीती रात जम्मू से दिल्ली जाने वाली राजधानी एक्सप्रेस में बम होने की सूचना मिलने के चलते पठानकोट पुलिस द्वारा ट्रेन को पठानकोट पहुंचने पर रोके रखा गया। इस दौरान गाड़ी की बारीकी से जांच की गई ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना घटित होने से रोकी जा सके। इस संबंधी जानकारी देते हुए एसएसपी राकेश कौशल ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि राजधानी एक्सप्रेस में बम रखा गया है, जिस पर कार्रवाई करते हुए पठानकोट पुलिस ने डॉग स्क्वाड व बम स्क्वाड की मदद से ट्रेन की छानबीन की। जांच पूरी होने के बाद गाड़ी को रवाना कर दिया गया। कुछ स्पेसिफिक इनपुट डीजीपी जीएनके साहब दी कि इस ट्रेन नाल कुछ शरारत हो सकती है। तकरीबन सानू ये इनफॉरमेशन 9 बजे आसपास मिली है। इमीडिएटली आई स्वंग इनटू एक्शन। मेरे ऑफिसर्स डीएसपी सिटी मिस्टर मनोज, डीएसपी आर मिस्टर विर्क, डीएसपी कंट्रोल रूम मिस्टर विक्रम शर्मा एंड एसपी हेडक्वार्टर मिस्टर बेदी अलॉन्ग विद जिन्हें आसपास एसटीओ ने एक्सेप्ट, 2 एसटीओ छोड़ के सिर्फ एसटीओ नरोट और एसटीओ धार नूं छड्ड के असीं 8 एसटीओ अपने इत्थे लगाए सी अलोंग विद जीआरपी आरपीएफ। असीं ट्रेन नूं पहले सारा फिजिकल रिसर्च किया, दैन विद हैल्प ऑफ द एंटी सैबोटेज टीम्स जिहड़ियां सीगियां जीआरपी दियां, पंजाब पुलिस दियां, बाकी सीगियां उह सारियां लगा के असीं थोरो चैकिंग कीती, असीं फिजिकल मैन टू मैन विद द इक्विपमेंट ऑल्सो, दैन विद स्निफर डॉग्स and now we are checking with the army teams. The army teams are checking kar rahe hain assi. I just want to ensure ke jo passengers hai gaye oh bilkul safe hon. Assi unhan nu bilkul chahne hain ki assi kise kism di koi aisa lapse na hoye, koi aisi kami na reh jaye. Sadi ehi koshish hai. Assi proper checking karan to baad train nu ghad jaange. I am sorry ke thoda ya passengers nu kuch inconvenience ho rahi hai.